रविवार की सुबह बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। विपक्ष बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बुरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेर लिया है। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बीजेपी से पीएम मोदी से 14 सवाल किए हैं, जिसके बाद मामले में सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है खड़गे के सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की गारंटी के नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र आया और आते ही विवादों से घिर गया। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में 14 गारंटियों का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की इन गारंटियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र की बखिया उधेड़ दी है। खड़गे ने लिखा, न पुरानी गारंटियों की जवाबदेही, केवल खोखले शब्दों की हेराफेरी। मोदी की गारंटी बराबर जुमलों की वारंटी। 14 तारीख 14 सवाल। युवाओं के लिए सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी करने का क्या हुआ? किसानों के एमएसपी पर कॉस्ट प्लस 50% का क्या हुआ? हर बैंक अकाउंट में 15-15 लाख का क्या हुआ? एससी एसटी पर 46% व 48% अपराध क्यों बढ़ा? महिला आरक्षण लागू करने व महिला अत्याचार रोकने का क्या हुआ? 100 नई स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? 2020 तक गंगा सफाई का क्या हुआ? 2022 तक हर परिवार के सर पर छत का क्या हुआ? 2022 तक सबको 24/7 बिजली देने का क्या हुआ? 2022 तक भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का क्या हुआ? लाल आंख व मैं देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ? 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग का क्या हुआ? पहली बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? इसलिए 2024 में पूरा भारत जुमलेबाजों को हराएगा, केवल इंडिया को जिताएगा, न्याय का परचम लहराएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ट्वीट ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी मोदी की गारंटी के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी हुई है, तो खड़गे ने उसके इस दांव पर ही सवाल उठा दिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।